बिजनौर में पुलिस ने अवैध शराब का काला कारोबार करने वाले एक कवि को गिरफ्तार किया, जिसके पास से शराब बनाने के उपकरण, कच्ची शराब तैयार करने वाली भट्टी बरामद हुई। फिलहाल पुलिस आरोपी को जेल भेजने की कवायद में जुटी। जनपद बिजनौर के एसपी डॉक्टर धर्मवीर सिंह के निर्देशन में जनपद में अवैध शराब की रोकथाम के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया। अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के निर्देशन और क्षेत्राधिकारी नगीना के कुशल पर्यवेक्षण में आज थाना नगीना देहात पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर ग्राम बावन सराय में अवैध शराब की भट्टी लगाकर शराब का निष्कर्षण कर रहे अभियुक्त राजकुमार निवासी ग्राम बावन सराय थाना नगीना देहात को मौके से शराब का निष्कर्षण करते हुए मय शराब बनाने के उपकरण और अवैध शराब सहित गिरफ्तार किया। मौके पर करीब 222 लीटर लाहन नष्ट किया, शराब बनाने के उपकरण और कुल 40 लीटर कच्ची शराब बरामद हुई। फिलहाल मामले में पुलिस ने आरोपी को जेल भेजा। बिजनौर जनपद के नगीना देहात के बावन सराय गांव में राजकुमार नाम के एक व्यक्ति को वहां की स्थानीय पुलिस द्वारा अवैध शराब का निर्माण करते हुए निष्कर्षण करते हुए जलती हुई भट्टी के साथ में रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। राजकुमार नामक व्यक्ति को उसके पास से तकरीबन 40 लीटर शराब एवं 225 लीटर लहन बरामद किया गया है। इसके साथ में अन्य कौन काम करने वाले हैं, इसकी भी छानबीन पुलिस द्वारा की जा रही है।